जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके लिए गुड़ वाली सेवैयाँ लेकर आई हूँ। सावन में सेवैयाँ हर घर में बनती होगी। मैं आज इसे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊंगी, तो आपकी सेवैयाँ भी इस तरह से बढ़िया खिली खिली बनेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी ले लेंगे और उसे मेल्ट कर लेंगे। फिर उसमें पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने काली किशमिश, काजू और बादाम लिए हैं। किशमिश को मैं बाद में डालूंगी, पहले काजू और बादाम को भून लेंगे। जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करें तो स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें, ये बात ध्यान रखें, वरना ड्राई फ्रूट्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस इस तरह से हल्का ब्राउन कलर हो जाए तो उसे निकाल लें। अब इसी घी में हम वर्मीसेली को भून लेंगे। 1 कप सेवैयाँ ली है मैंने, वो भी घर की बनी हुई है इसलिए थोड़ी सी मोटी है। आप मार्केट की भी ले सकते हो, पतली वाली, मीडियम वाली, आपके पास जो अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हो। बस मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखें, चाहे मार्केट की सेवैयाँ लें या घर की, तो सेवैयाँ परफेक्ट बनेगी। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। इसे इतना ही भूनना है और गैस ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर चलाएंगे, वरना ये बहुत जल्दी डार्क हो जाती है। कढ़ाई अभी गर्म है तो इसे थोड़ी थोड़ी देर से चलाना पड़ेगा। अब हम एक बर्तन में 2.25 कप पानी ले लेंगे। पानी हमें सेवई का डबल लेना है, पर मैं 1/4 कप ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि ये घर की बनी हुई मोटी सेवई है। इसलिए आप यदि मार्केट की वर्मीसेली यूज़ करते हो तो 2 कप ही पानी ले, वर्मीसेली का डबल लेना है बस। पानी में मिलाएंगे 1/2 कप कटा हुआ गुड़। गुड़ हमें सेवई का 1/2 लेना है। आप यदि चीनी के साथ इसे बनाओ तो चीनी भी 1/2 कप ही ले। गुड़ को हम डायरेक्ट डाल सकते हैं सेवई में, पर इस तरह से डालने से यदि गुड़ में कोई कचरा हो तो वो निकल जाता है। गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें व्हाइट वाला गुड़ यूज़ नहीं करना है, इस तरह से डार्क कलर का ही गुड़ यूज़ करें तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है, गैस को वापस से ऑन करेंगे और गुड़ वाले पानी को छान कर डालेंगे। आप जब भी कोई रेसिपी में गुड़ को इस तरह से छान कर डाल सकते हो तो हमेशा ऐसे ही यूज़ करें, और जिस रेसिपी में आप इसे नहीं छान सकते उसमें अच्छी क्वालिटी का ही गुड़ यूज़ करें। और पानी के साथ ही हम इसमें ये काले वाली किशमिश डाल देंगे तो सेवई के साथ ये भी अच्छे से फूल जाएगी। अब हम गैस की फ्लेम फुल रखेंगे, आप यहाँ पर केसर डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब हैंड टू हैंड कूटकर इलायची का पाउडर डालेंगे तो इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। आप यदि केसर यूज़ करें तो भी इलायची जरूर डालें। हमने गुड़ डार्क वाला यूज़ किया है तो इसमें केसर के कलर की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पानी में बॉईल आने लग जाए हम इसे थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। 4 से 5 मिनट बाद ये देखिए सेवैयाँ फूलने लग गई है। अब हम इसे वापस से ढकेंगे नहीं। अब देखिए ऑलमोस्ट पानी रिड्यूस हो गया है। इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है, वरना सेवैयाँ नीचे चिपक सकती है। जब इस तरह से पूरा पानी सूख जाए तब हमें ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं, और अब बस 1 मिनट में ही हम गैस ऑफ कर देंगे। आपने यदि पहले घी कम डाला होगा तो आप यहाँ लास्ट में थोड़ा सा और घी डाल सकते हो। पर हमारी वर्मीसेली देखिए कितनी बढ़िया शाइनिंग वाली लग रही है और कितनी बढ़िया खिली खिली बनी है, ताकि हमने इसे पहले अच्छे से घी के साथ डार्क ब्राउन कलर आने तक भुना था। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। वर्मीसेली बनाते समय आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि इसे पहले घी के साथ अच्छा डार्क कलर आने तक भूनना है, वरना इसका कच्चा टेस्ट आएगा। और पानी भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस सेवई का डबल डालना है। यदि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये खिली खिली नहीं बनती है, केक जैसी आपस में जम जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।